ये स्टेट जो हाईवे आप देख रहे हो ना, ये पटना चला जाता है और इधर जाओगे आप तो कोलकाता चले जाएगा। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए जो चाय लवर है, आप लोग जो लोग चाय पीते हो उनके लिए आज ये वीडियो पर्टिकुलरली बनाया गया है। उसी बात पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। मौसम है सुहाना, बस मूड है बनाना, और फिर चाय की चुस्की लेकर है वापस आना। अब चाय तो हम हर शाम अपने घर में पीते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि बारिश होने वाली है और आपके पास बाइक भी है और मूड भी हो चाय पीने का, तो बस क्या, हमने बाइक निकाला, स्टार्ट किया और चल पड़े। लेकिन ये सारे प्लान्स आखिर क्यों? क्योंकि कल से जो है वेस्ट बंगाल में कंप्लीट लॉकडाउन होने वाला है। पता नहीं है ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब लॉकडाउन तो मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए कि लॉकडाउन एक बार हो चुका है फिर से ये खोल के फिर लॉकडाउन कर रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है। बट ठीक है, कर दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने अगर लॉकडाउन कर ही दिया तो हम लोग सोच रहे थे थोड़ा बाहर घूम के आएंगे। यहाँ पे पास में ही मतलब कितने किलोमीटर है होली भैया? 5-6 किलोमीटर दूर में एक जगह है, वहाँ पे मस्त अपन चाय वगैरह पी के आएंगे, क्योंकि यहाँ का बहुत फेमस चाय वाला है वो। हम लोग सोच रहे थे कहीं और जाने का, लेकिन अभी वहीं पे जाएंगे और फिर पी के आएंगे। क्योंकि अगर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे जा नहीं पाएंगे, और जा नहीं पाएंगे तो फिर पी नहीं पाएंगे, और वहाँ का बहुत फेमस चाय वाला है तो वो तो बनता ही एक बार ही। बॉस, हम लोग पूरा रेडी हो चुके हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो चाय पीने का कीड़ा है। तो अपन अभी जाएंगे, बारिश हो सकती है, लेकिन अगर बारिश हुई तो अपन पॉलिथीन वगैरह ले चुके हैं ताकि मोबाइल वगैरह रख ले उसमें। बहुत शाम के टाइम में जो कचौड़ी और चाय खाने का जो मज़ा है ना, मतलब अदर लेवल का वो मज़ा है। एक्चुअली चाय पीने का प्लान हमारा 2-3 दिन बाद का था, लेकिन बॉस आज जैसे ही अपन ने न्यूज़ सुना ना कि लॉकडाउन होने वाला, वो एक कम्प्लीट लॉकडाउन, और तभी हमने डिसाइड किया कि भाई ये जगह अगर नहीं गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी बंगाल का बेसिकली एक दो और चीज़ें एक्सप्लोर करनी, जैसे कि मिष्टी दही और रसगुल्ला, तो वो तो खैर हमारे घर के पास मिलता तो अपन आराम से खाएंगे। वैसे तो दिल्ली में हम लोग चाय के लिए 70 किलोमीटर जाते हैं हमारे घर से मूरथल, और यहाँ पे हम लोग चाय के लिए 6 किलोमीटर जा रहे हैं। चाय इज़ इम्पॉर्टेंट। वो एक्चुअली अभी जो हम हैं नेशनल हाईवे पे, और ये स्टेट जो हाईवे आप देख रहे हो ना, ये पटना चला जाता है और इधर जाओगे आप तो कोलकाता चले जाएगा। ये फाइनली हम पहुंच गए दुकान पे। बॉस, मतलब इस चाय को पीने के लिए अपन इतना मतलब स्ट्रगल कर रहे ना, लाइक मतलब समझ नहीं आ रहा कितना मतलब पसीना वगैरह बह रहा है, लेकिन फिर भी अपन को चाय पीना है तो पियेंगे, और उसकी ले के पियेंगे, क्योंकि ये वाला चाय बहुत रेयर केस में को पीने को मिलता है, तो इसलिए अपन यहाँ पे आए हैं चाय पीने के लिए। बॉस, अभी का सीन ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि बारिश अभी हो सकता है, तो अपन थोड़ा सेफ खेल के अपन यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि और कुछ है नहीं यहाँ पे करने को। बेसिकली हम लोग चाय ही पीने आए थे और लिट्टी सोच रहे थे खाने का। बेसिकली यहाँ पे पकौड़ा भी फेमस है, लेकिन पकौड़ा उतना फेमस नहीं है, लेकिन लिट्टी सोच रहे थे खाने का। यहाँ का डस्ट और प्रदूषित हवा को देख के लिट्टी भी खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन चाय तो पीना ही था। बॉस देख रहे हो, चाय के लिए बेइंतहा वाली शिद्दत वाली मोहब्बत है हमारे पास। और अभी जो है बाइक जो है भैया ड्राइव कर रहे हैं, और जगह का नाम हमने नहीं बताया। इस जगह का नाम जो है बांसुरा है, और ये आसनसोल और दुर्गापुर के बीच में पड़ता है। और अभी फील आ रहा है, मतलब हवा जो आ रही है ना, अब अच्छा सा लग रहा है। यहाँ पे लगता है बाल कटवाया था, लेकिन फिर से बाल कटवाने की जरूरत है। It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. लेकिन एक बात हमें वेस्ट बंगाल का समझ नहीं आता है कि बॉस, पहले आप लॉकडाउन करते हो लिमिटेशंस के साथ लॉकडाउन, फिर किया
फिर अनलॉक 1.0 आया, फिर अनलॉक 2.0 आया, उसके बाद फिर लॉकडाउन फिर कर रहे हो। हालांकि हो सकता है कि ये लिमिटेशंस के साथ लॉकडाउन करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि न्यूज़ वगैरह में आ रहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन करने वाले हैं ये, और वो भी 21 दिनों तक। तो 21 दिनों तक अगर हमें यहाँ पे रहना पड़ा तो थोड़ा सा मुसीबत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मन लगता है लेकिन उतना भी मन नहीं लगता है, क्योंकि अगर लॉकडाउन हो गया तो कोई चीज़ें खुली नहीं रहेंगी, कहीं पर हम घूम नहीं सकते हैं, और इस जंगल से जैसे टापू में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कितना दिन हम पेड़ पौधा के साथ खेलते रहेंगे, है कि नहीं। लेकिन बॉस, जो भी है, जैसा भी है, सब बढ़िया है, सब अच्छा होना चाहिए। और अगर आपको भी ऐसे कभी क्रेविंग होती है चाय पीने का या फिर कोई भी चीज़ खाने का, तो आप लोग प्लीज़ जाओ। ऐसा मत सोचो कि अगर वो 5 रुपये का चीज़ है तो काफ़ी दूर है तो अपन नहीं जाएंगे, या फिर ग्रुप में जाएंगे, या फिर हो सकता है कि फैमिली वाले के साथ जाए, जिसके साथ भी जाना है, लेकिन जाओ। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं जाना है, वो चीज़ सस्ती है, जाने में ज़्यादा खर्चा है इस तरीका, या फिर मन नहीं करेगा वैसा जाने का, करो। ये सब चीज़ें भी करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और कल का जो हमारा प्लान होने वाला है वो थोड़ा सा एडवेंचरस, थोड़ा सा रिस्की होने वाला है, क्योंकि कल हम एक जगह पर जा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें अभी नहीं बताने वाले हैं। थोड़ा सा सस्पेंस खेलने का आदत बन चुका है हमारा, तो वो वाली चीज़ें आपको कल वाले ब्लॉग में पता चलेगा। इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी हमसे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, लाइफ अच्छी चल रही है। आई होप आपकी भी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। और बस यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, बच्चे बेसिकली अब तो खेलते नहीं हैं, पबजी वगैरह के काफ़ी एडिक्टेड हो चुके हैं ये लोग। अपन भी थोड़ा जाते हैं चेंज वगैरह करके, थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि लाइट अभी कटी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो कैमरा एक, तो हमने क्या किया कि इस बार यहाँ पे आने के बाद कैमरा इंस्टॉल करवाया है सिक्योरिटी पर्पस। ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस थोड़ा सा मैटर करता ना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।